नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही है कि भारत में इस कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। जी हां, यह कंपनी 103 रुपए प्रति टेबलेट की दर से बाजार में इस दवा को उपलब्ध भी करवा रही है, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूर और गरीब भाइयों के लिए नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत उनको घर पर ही 125 दिन काम की बदौलत रोजगार दिया जाएगा, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों अब चीन को लगा झटका। जी हां, अब भारत की 2000 कंपनियों ने चीन को दिया है यह झटका, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र में शुरू की जा रही है मेडिकल से जुड़ी एक शानदार योजना, जिसमें आपको घर पर ही आईसीयू जैसा इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अब मनरेगा में रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन करने की कवायद तेज हो गई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों पढ़ाई को लेकर एक बड़ी खबर है। जी हां, पूरे देश में वन नेशन वन बोर्ड की मांग हो चुकी है, तो इस खबर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी और अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबर आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना का असर इस बार नहीं होगी कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच बनी आम सहमति। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच इस साल कांवड़ यात्रा निरस्त करने को लेकर शनिवार को आम सहमति बन गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की है। आपको बता दें कि सभी ने सहमति जताई है कि वार्षिक कांवड़ यात्रा इस वर्ष रद्द की जानी चाहिए। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र ने शुरू किया टेली आईसीयू का परीक्षण, घर पर ही मिलेगा मरीज को आईसीयू जैसा इलाज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए मुंबई और अन्य 6 शहरों में प्रायोगिक स्तर पर टेली आईसीयू सुविधा शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि मेडिस्केप फाउंडेशन ने इस तकनीक का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज के बिस्तर से जुड़े उपकरणों के मॉनिटर पर आने वाली रीडिंग्स को देख कर उनके लिए अच्छा इलाज बताएंगे। वहीं मंत्री ने बताया कि इस तकनीक का उपयोग मुंबई, ठाणे, जलगांव, सोलापुर, औरंगाबाद, अकोला और जालना में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर इस तकनीक में सफलता मिलती है और ये अच्छा रहता है तो अन्य जगहों पर भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इंडिया चाइना फेस ऑफ के दौरान भारत ने कहा LAC को लेकर नहीं माने जाएंगे चीन के अटपटे दावे। जी दोस्तों, भारत और चीन की हिंसक झड़प को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी क्षेत्र के संबंध में स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्ण और अटपटे दावों को स्वीकार करने के लिए चीनी पक्ष के प्रयास अब स्वीकार्य नहीं है। ये दावे चीन की अपनी पिछली स्थिति के अनुसार नहीं है, इसलिए इस प्रकार के किसी भी दावे को भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश में रिकवरी रेट हुआ 54.13%, 24 घंटे में ठीक हुए 9,120 मरीज। जी दोस्तों, भारत में शनिवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 14,516 नए मामले आने के साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या 3,95,048 हो गई है। वहीं मौत के 375 नए मामलों के साथ अब तक 12,948 लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में रिकवरी रेट 54.13% हो गया है। देश में अब तक 2,13,830 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 9,120 लोग ठीक हुए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा, 103 रुपए प्रति टेबलेट है कीमत। जी दोस्तों, फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने शनिवार को बताया कि उसने एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस दवा का नाम फेविफ्लू रखा है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के मामूली संक्रमण वाले लोगों के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टेबलेट रखी है। हालांकि आपको बता दें कि आपको सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर के परामर्श के बाद ही इस दवा को लेने की किसी दूसरे के कहने पर। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मजदूरों की रोज होगी 202 रुपए की कमाई, करे जाएंगे ये काम। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत 125 दिनों तक मजदूरों को अलग अलग कामों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 125 दिनों का काम चलेगा। इसमें रोज की मजदूरी मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से दी जाएगी। इस लिहाज से एक कामगार को रोज 202 रुपए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पूरे देश में लागू हो सकती है कॉमन सिलेबस की व्यवस्था, यह है वजह। जी हां दोस्तों, देश भर में वन नेशन वन बोर्ड की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। देश भर में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कॉमन सिलेबस लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन को लगा तगड़ा झटका, 2000 कंपनियों ने उठाया ये कदम। जी हां दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नोएडा की 2000 औद्योगिक इकाइयों ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को अलग कर दिया है। अब ये कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए कंपोनेंट आयात करने के लिए ताइवान से हाथ मिलाएंगी और देश में कंपोनेंट इंडस्ट्री को हब बनाएगी। गुरुवार को ईमेल के माध्यम से नोएडा की कई कंपनियों ने ताइवानी कंपनियों के साथ, आपको बता दें कि वर्तमान में 90% इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उद्योग घटक चीन से आयात किए जाते हैं, जबकि ताइवान केवल 10% का योगदान देता है। नोएडा की सभी कंपनियां या मोबाइल उद्योग में यूएसबी लीड, चार्जर, एडोप्टर, हेडफोन की आपूर्ति करती है। इन सभी वस्तुओं को चीन से आयात किया जाता है, जिन्हें यहाँ इकट्ठा किया जाता है। लेकिन चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव के कारण नोएडा की कंपनियों ने अपने आदेश रद्द कर दिए हैं और आदेश को ताइवान में स्थानांतरित कर दिया है। दोस्तों, भारत की इन कंपनियों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, मनरेगा रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर की जाए 200 दिन। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। वीसी के माध्यम से हुई इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जो कोरोना संकट के कारण घर लौट आए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि मनरेगा के तहत प्रति परिवार उपलब्ध कराए जाने वाले रोजगार की सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन की जाए। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण घर लौट आए प्रवासी मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार व जीविका के साधन उपलब्ध करवाने के लिए और स्थायी सार्वजनिक उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारम्भ किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अगले 36 घंटे में राजस्थान में दस्तक देगा मानसून। जी हां दोस्तों, मानसून की दस्तक से पहले प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस लोगों को जमकर सता रही है। बीते एक सप्ताह से सूर्य की तेज तपिश, उमस और लू के थपेड़ों ने लोगों को बहाल कर दिया है। वहीं दोस्तों, राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ रहे मानसून के चलते संभावना जताई जा रही है कि मानसून 20 जून तक राजस्थान में दस्तक देगा। लेकिन हवाओं के चलते मानसून के अगले 36 घंटों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के रास्ते राजस्थान में दस्तक देने की संभावना है। आपको बता दें कि मानसून राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा है और अगले 36 घंटों में राजस्थान में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब शहीदों को आर्थिक मदद से बचने की तैयारी, अब विहिप ने हर भारतीय के खाते से ऑटो डेबिट का दिया सुझाव। जी दोस्तों, आपने क्रेडिट कार्ड बिल, बिजली के बिल और यहाँ तक कि टीवी रिचार्ज के लिए ऑटो डेबिट सुविधा के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने वित्तीय सहायता के लिए ऑटो डेबिट के बारे में सुना है, और खासकर देश के लिए शहीद जवानों की आर्थिक मदद के लिए? अगर पीएम मोदी ने विश्व हिंदू परिषद का सुझाव मान लिया तो आने वाले दिनों में ऐसा ही हो सकता है। दरअसल लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के परिप्रेक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि जब भी किसी सैनिक का बलिदान हो तो भारत के प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते से उसकी एक बार की स्थायी स्वीकृति के आधार पर स्वतः ही 100 रुपया काट कर बलिदानी सैनिक के खाते में सीधे चला जाना चाहिए। आपको बता दें कि अगर विहिप का ये सुझाव मान लिया गया तो सरकार ऐसा तंत्र स्थापित कर सकती है जिसमें खाता धारकों से एक बार सहमति मिलने के बाद हर बार प्रत्येक भारतीय जवान की शहादत पर खाते से 100 रुपए की राशि ऑटो डेबिट की जा सकेगी। विहिप ने इस बारे में पहले ही वर्चुअल पोल भी करा लिया है जिसमें 95% उत्तरदाताओं के समर्थन का दावा किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में निजी अस्पतालों व प्रयोगशालाओं में 2200 रुपए में होगी कोविड-19 की जांच। जी दोस्तों, राजस्थान के निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच अब 2200 रुपए में होगी। राज्य सरकार ने शनिवार को इसके बारे में निर्देश जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिए निर्देश जारी किया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।